यूबीबी में आपका स्वागत है। मैडम, आज जो ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है उसमें व्यापारियों को कैसे राहत मिली? देखिए, जो आज हमने जॉइंट सेशन बुलाया था इसमें हमने कुछ 4-5 पॉइंट्स ऐसे रखे थे जिससे कि दिल्ली के व्यापारियों को हम राहत दिला पाए। एक तो जो 351 सड़कें हैं उनको क्यों नहीं आज तक नोटिफाई किया गया, उनको इमीडिएट नोटिफाई किया जाए। 2007 से लेकर 2017 तक काफ़ी एरिया चेंज हो गए, तो उसका रिसर्वे कराया जाए। इसके साथ ही साथ जो कन्वर्जन चार्ज हम ले रहे हैं, यदि किसी ने जो एकमुश्त जमा कर दिया है तो उसको कभी जमा करने की जरूरत नहीं है, और जो 10 साल तक लगातार जो जमा कर रहे हैं उसको भी माफ़ किया जाए। ये जो सीलिंग है वो सूत्रधार जो है वो आप कांग्रेस को मानते हैं? जी बिल्कुल, कांग्रेस को मानते हैं, क्योंकि 2007 में जब गवर्नमेंट थी तो इनकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त सेंटर में भी ये लोग थे और स्टेट में भी ये लोग थे। ये चाहते तो मास्टर प्लान में अमेंडमेंट करके इससे रिलीफ दिलाया जा सकता था, बट इन्होंने वो काम नहीं किया और आज ये पब्लिक को बरगला रहे हैं। और उसके बाद आज 3 साल हो गए आप आम आदमी पार्टी को, ये भी चाहती तो कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन ला के इस पर कोई एक्शन ले सकती थी, बट ये लोग सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं या इन्हें धरने प्रदर्शन करने आता है। अदरवाइज यदि वाकई में ये पब्लिक, आपने भी आज हाउस में सेशन भी देखा होगा, तो जब हम सीलिंग जैसे गंभीर विषय पे इतना गंभीर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये लोग आज हाउस को नहीं चलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इससे पब्लिक को समझ में आ रहा है कि कौन हमारे फेवर में, कौन हमारी सोचता है। हमें इस वक्त कोई क्रेडिट लेने की नहीं होड़ है, सिर्फ यह है कि हमारी जनता को किसी तरीके से हम रिलीफ दिला पाएं, और हम लोग ये इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारी पूरा शीर्ष नेतृत्व कोशिश कर रहा है, हम लोग यूनियन मिनिस्ट्री से भी मिले, हम एलजी से भी मिले, हमने केजरीवाल से भी मिलने की कोशिश की। प्रस्ताव किस बात का पास हुआ था जो सदन में, जो प्रस्ताव पास हुआ वो क्या था? वो इन्हीं 7-8 पॉइंटों को लेकर हुआ था कि जो ये अपना लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उनका FIR बढ़ाया जाए जी, और 351 जो सड़कें उनको जो नोटिफाई करने हमने 22 तारीख को भेजा है उनको इमीडिएट नोटिफाई किया जाए, और जो हमारे जो कन्वर्जन चार्जेज है जिन्होंने एकमुश्त जमा कर दिया उनको रिलीफ दिया जाए, जो 10 साल तक कंटिन्यूसली जमा कर रहे हैं उनको भी रिलीफ दिया जाए। ऐसे ये कई पॉइंट्स हैं जो हमने इसमें उठाए हैं। 351 भी इसमें शामिल है? 351 भी इसमें शामिल है, और हम ये कहते हैं कि दोबारा से रिसर्वे करके जो और भी सड़कें हैं उनको भी इसमें लेके आया जाए। और यूडी मिनिस्ट्री, और मैं आपको ये बात निश्चित बताती हूँ कि यदि हमें इसके लिए केजरीवाल जी के पास जाना पड़े, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़े, कोर्ट में भी हमने ये बात रखी है जो हमारा दूसरा रेजुलेशन है, ताकि हम 6 महीने का हमने टाइम इसलिए मांगा कि सारी एजेंसियाँ इकट्ठे करके हम ऐसा कोई भी कमी ना छोड़ें कि किसी भी तरीके से पब्लिक को इसमें हर हालत में रिलीफ होना चाहिए, हमारी ओर से कोई कमी इसमें ना रह जाए।